सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अनदर वीडियो। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि आपको अगर बैडिंग कैरिकेचर बनाना है तो वो कैसे आप बना सकते हो, और बैडिंग कैरिकेचर बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जो कि फोटो को कार्टून इफेक्ट दिया जाता है वो कैसे बनाया जाता है। और दोस्तों आज के टाइम में आपने बहुत देखा होगा कि डिजिटल इनविटेशन कार्ड बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। हर कोई अपने शादी में डिजिटल इनविटेशन कार्ड बनवाना चाहता है और आज के डेट में यह ट्रेंडिंग चल रहा है और बहुत सारे लोग जो है इसके काफी हद तक पैसा देने के लिए भी तैयार होते हैं कि आप हमारे फोटो को एनिमेटेड बना के वेडिंग कैरिकेचर बना के दीजिए, हम आपको पे करेंगे। तो दोस्तों आप भी अगर वेडिंग कैरिकेचर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में बने रहिए अंत तक, मैं आपको पूरा डिटेल समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्रोम खोल लेना है, उसके बाद आपको toonme.com करके एक वेबसाइट होगा, उस वेबसाइट को खोलना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे फोटो आपको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, आपको फोटो अपलोड कर लेना है। और उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होने वाला है इस तरीके से, थोड़ा सा टाइम के बाद आपका जो फोटो है वो पूरा का पूरा कार्टून इफेक्ट में बन के रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हो रिजल्ट जो है आ चुका है और यहाँ पे हमने फोटो लिया है कैटरीना कैफ का। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा कार्टून इफेक्ट में बदल चुका है ये, तो इसको अब हम डाउनलोड कर लेंगे। और ये डाउनलोड हो चुका है और एक और फोटो हम लेंगे क्योंकि दूल्हा दुल्हन रहता है, तो हमने रेंडमली फोटो उठाया कैटरीना कैफ और सलमान खान का। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से मिल जाएगा, अलग अलग कार्टून इफेक्ट मिल जाता है। तो दूसरा फोटो हम यहाँ पे अपलोड कर लेंगे सलमान खान जी का। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रोसेसिंग आपको देखना पड़ेगा बिकॉज ये पूरा ये AI के थ्रू जनरेट करता है इस चीज़ को, तो थोड़ा सा टाइम तो ये लेगा। आपको वेट जरूर करना है, आपको फ्री में मिल जाएगा। आप देख सकते हो कैसे कितना प्यारा सा लुक जो है आ चुका है। अब इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दोनों फोटो हमारा आ चुका है। दोस्तों एक और चीज़ की ज़रूरत हमें पड़ती है जो कि कार्टून का बॉडी होता है, वो बॉडी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उस बॉडी के लिए हमने यहाँ पे एक वेबसाइट लिया है PNG Tree को हम सर्च करेंगे और उसके अंदर हम जो है सर्च कर देंगे वेडिंग इनविटेशन कार्ड। तो सर्च हो चुका है और आप देख सकते हो रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको मिल जाएगा। तो ये प्रीमियम रहता है, इसमें पैसा पे करना पड़ता है, बट एक जो है आप एक दिन में डाउनलोड कर सकते हो और बहुत सारा तरीका होता है डाउनलोड करने का इस चीज़ को। ठीक है, तो हमें सेलेक्ट कर लेना है कि हमारे फ़ोटो के हिसाब से कौन सा जो है कौन सा कैरेक्टर हमारा मैच करेगा वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो हम अभी सर्च कर लेते हैं, यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें, तो इसको हम कुछ दूसरा टाइप करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक बार इसको क्लिक किया हमने तो ये जो है एक तरीके से मेहंदी वाला पोर्शन जो होता है, आप देख सकते हो मेहंदी का फोटो यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, सेलेक्ट करके फोटो के बिहाफ पे आपको सेलेक्ट करके इस तरीके से डाउनलोड कर लेना है इसको। और डाउनलोड आपको एक दिन में एक जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हमें मिल चुका है, हम ये वाला लेने वाले हैं, इसमें से डाउनलोड हम कर लेंगे। डाउनलोड देखिए किस तरीके से करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे PNG डाउनलोड करना है, ये पैसा मांग रहा है। तो मैं दूसरा जीमेल आईडी से इसको डाउनलोड करूँगा क्योंकि मैंने एक दिन का जो फ्री मिलता था वो मैंने डाउनलोड कर लिया है एक जीमेल से, तो दूसरे जीमेल पे मैंने लॉगिन किया है इसको, अब ये डाउनलोड हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम फोटोशॉप में लेके आएंगे। फोटोशॉप में जब हम लेके आते हैं इसको तो फोटोशॉप में बाकी का क्रिएशन जो है वो फोटोशॉप में ही होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमने एक साइज़ में ले लिया है जो भी इसका साइज़ होता है। अब फोटोशॉप में हम यहाँ पे जो भी हमारे दोनों कैरेक्टर है जिसको हमने कार्टून इफेक्ट दे रखा है वो दो कैरेक्टर हम ले लेंगे फोटोशॉप में। जैसा कि आप देख पा रहे हो दोनों फ़ोटो को हमने ले लिया है इसके अंदर, और जब दोनों फ़ोटो को ले लिया अब इसको ज़रूरत है PNG बनाने का, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे PNG बनाएं। तो PNG बनाने के लिए बहुत अलग अलग टूल रहता है, मैं यहाँ पे मैजिक सिलेक्शन टूल लेता हूँ, देखता हूँ काम करता है कि नहीं करता है। ये काम कर गया है क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो एकदम वाइट है इस वजह से। तो PNG हम इसको बना लेंगे फटाक से, और PNG बनाने के बाद कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। तो PNG हम बनाने के बाद कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। अब एक बार PNG हमारा बन चुका है, इसको हम एक बार मैच करके देखेंगे कि किस तरीके से ये मैच होगा कि नहीं होगा। तो प्रॉपर जो है यहाँ पे हमने ले लिया है, गर्दन लगा हुआ है,
उसको हम एक बार काट लेंगे ना, अपने हिसाब से काटेंगे कि वहाँ पे जो सलमान खान का जो फेस है वो वहाँ पे अच्छे तरीके से वहाँ पे प्लेस हो जाए। तो हमने पेन टूल का यूज किया है, पेन टूल के यूज़ से हम इसको काटेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे पिक्चर को भी हम काट लेंगे, उनका जो गर्दन है उस गर्दन को हम काट लेंगे। मतलब इस तरीके से काटेंगे ना कि जो हम PNG उसमें फिट करें वो लोगों को ना पता ना लगे कि इन्होंने कस्टमाइज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है बॉडी को अलग कर लिया और फेस को अलग कर लिया, हालांकि दोनों अलग अलग जगह का है। अब इसको हम प्लेस करने के लिए रेडी हैं, इसको प्लेस करेंगे गर्दन को थोड़ा टेढ़ा करके। और प्लेस इस तरीके से होगा, प्लेस करने के बाद यहाँ पे हम अच्छे से स्मूथ के साथ हम ये दोनों कैरेक्टर को यहाँ पे फिट कर लेंगे। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना बने। अगर आप लोग फोटोशॉप चलाते हो तो आपको पता होगा कि PNG कैसे निकाला जाता है, तो सेम तरीका है, बहुत सारे टूल मिलता है। मैजिक सिलेक्शन टूल का यूज करूँगा और जिसके यूज करके मैं इसके PNG बनाने वाला हूँ। तो आप देखिए किस तरीके से PNG बनता है। अब दोस्तों परफेक्टली हमारा PNG बन चुका है, अब ये बस थोड़ा प्लेसमेंट बचा है। तो प्लेसमेंट हमें थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि रियलिस्टिक फील जो है वो आना चाहिए, नहीं तो क्लाइंट जो है वो आपको पैसा नहीं देगा। क्लाइंट को अच्छा काम चाहिए तो अच्छा काम के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। प्रॉपर फोटोशॉप में यह बनाया जा रहा है, ठीक है। और ये हम अभी भी गर्दन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है तो इसको मैं सेट करूँगा। तो इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। फाइनली गाइज हमारा कैरेक्टर जो है वो रेडी हो चुका है। अब कैरेक्टर के लिए हमें बैकग्राउंड की ज़रूरत है, एक बैकग्राउंड हमें इसके पीछे लगाना है। बैकग्राउंड के लिए हम फिर से क्रोम ब्राउजर में जाएंगे और क्रोम में जाने के बाद बेडिंग बैकग्राउंड सर्च करेंगे और बेडिंग बैकग्राउंड सर्च करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें से मुझे ये वाला बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, मैंने इस बैकग्राउंड को क्लिक कर लिया है और इसको मैं पेस्ट कर लूँगा पीछे बैकग्राउंड के पीछे। तो ये एकदम लास्ट वाले लेयर में ले जाना है मेरे को, लास्ट वाले लेयर में ले जाऊंगा क्योंकि ये एकदम पीछे हमें शो कराना है, ठीक है। तो ये लास्ट वाले लेयर में लेके हमने इसको प्लेसमेंट कर दिया है। आप देख रहे हो फील आ चुका है, जैसा कि आपने देखा था वैसा ही यहाँ पे बन चुका है। अब इसके बाद जो है आपका कैरिकेचर जो है वो रेडी हो जाता है। आप इसको वीडियो फॉर्मेट में बनाना चाहो, ग्राफिक फॉर्मेट में बनाना चाहो, वो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। और वीडियो फॉर्मेट में कैसे बनाना है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप इस चैनल में नए हो तो, क्योंकि मैं आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियो लेके आने वाला हूँ जिससे आप लोग अपने फ्रीलांसिंग जर्नी को काफ़ी बेहतरीन बना सकते हैं।